के हाथ में इंट्रो दे दे, उसी के हाथ में इंट्रो दे दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुत्तफ़िक नज़र आ रही है? आज का सवाल ये है एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आज मौलाना फजल रहमान साहब धमकियों पे उतर आए हैं। इमरान खान साहब को कहते हैं कि आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक आपकी सोच भी नहीं जा सकती। क्यों इस तरह की क्यों बात हो रही है आज इस तरह से? ठीक है कि अपोजिशन का राइट है कि मुल्क में एक मोमेंटम क्रिएट करे, हुकूमत को प्रेशराइज करे, हुकूमत को समझाने के दर पर आए, लेकिन इस तरह की बातें ये क्या वाकई अच्छी हैं? ये सवाल है। दूसरी तरफ हमने पहले ये भी देखा माजी में कि ना सिर्फ ये अपोजिशन इस तरह के काम और हरकतें करने पर उतर आती है, जबकि दूसरी तरफ हमने देखा था वज़ीर आज़म इमरान खान जब पीडीएम की तहरीक शुरू हुई थी और जब अपोजिशन मैदान में आई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो उस वक्त हम ये देख रहे थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक्शन करते हुए हाथ से नज़र आते थे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और ये और वो, और उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था जो कि मैं नहीं दोहरा सकती। वेल, तो जिसको अपोजिशन की जमातें बार बार दोहरा रही थी और कल भी यहाँ बैठे हुए कुछ मेहमान उसका जिक्र कर रहे थे। बट अब सवाल ये है कि क्या जो कि इस्तीफे की बात हो गई है कि नून लीग के पास सारे इस्तीफे जमा हो चुके हैं, तो क्या नून लीग इस्तीफे देने जा रही है तो पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी? पीपल्स पार्टी ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर मुत्तफिक नज़र आ रही है, अभी परसों भी एक जलसा होने जा रहा है और साथ ही साथ उसमें कितनी स्ट्रांगली पीडीएम की जमातें शिरकत करेंगी, क्योंकि बिलावल साहब हर एक को फ़ोन करके इंडिविजुअली आज जो है वो दावतें दे रहे थे और रबते कर रहे थे। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जी फजल रहमान साहब ने ये तो कहा ही कहा कि जी हम इनको वहाँ तक छोड़ कर आएंगे जहाँ तक इनको नहीं पता, लेकिन वो एक तरफ एहतसाब का जो मामला है यानी कि जो नैब ने उनके ऊपर हाथ डाला है उस पर वो ज़्यादा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ट्रिगर हो गए, कि वो कह रहे थे कि आप मुझसे जो है वो एहतसाब की बात कर रहे हैं, एहतसाब लेने का कह रहे हैं, एहतसाब तो हम आपसे मांग रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं। आज भी उन्होंने इस तरह की बात की है। बहरहाल मरियम नवाज़ साहिबा भी इस वक्त पीछे नहीं है जी, वो भी कह रही थी नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो है वो हुकूमत एक तरफ सरगर्म तो है लेकिन वो तभी आएंगे जब उनकी तबीयत ठीक होगी, और ये तबीयत कब ठीक होगी, ये कौन से सन में ठीक होगी, कौन से महीने में ठीक होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नून लीग के कारकुनान जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलनी चाहिए थी या वो मोटिवेट होते वो तब पॉसिबिलिटी होती जब उनके कायद खुद यहाँ पर मौजूद होते। मरियम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब तीनों यहाँ पर हैं और अपने अपने तौर से पार्टी को लीड करने की कोशिश तो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज का मेरा, अपने अपने तौर से, ठीक है, मीन्स हर एक पॉइंट पे मुत्तफिक नज़र नहीं आते तीनों। तो ये क्या इसी वजह से है क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर से वापस नहीं आ रहे हैं और लोगों को और ख़ासतौर पर जो पार्टी के अंदर इस वक्त हैं उनको अभी तक इस बात के ऊपर जो है वो एतराज़ात भी हैं, लोग इस बात की मुखालफत भी कर रहे हैं और लोगों की रिजर्वेशंस भी हैं। मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करूँगी। सबसे पहले मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें सेनेटर राजेश धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब को खुश आमदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। साथ ही मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एम एन ए ज़वान औरंगज़ई साहब, उनकी तरफ भी मैं जाऊँगी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद माई गेस्ट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। मुझे कुछ पता नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैंने जिस तरह से कहा कि आज एक तरफ तो मरियम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि जी
जिस तरह से वो कह रही थी आज के हम भेज रहे हैं घर, आवाम भेज रही है घर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर इस हुकूमत को और इमरान खान को, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस तरह की बात कर रहे थे, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। और पीपल्स पार्टी इस पर कितनी मुतफिक है जिस ज़मनी इलेक्शन के हवाले से? मैं सबसे पहले जाऊँगी सेनेटर आजिज़ धामरा साहब की तरफ। सेनेटर आजिज़ धामरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आज जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि ठीक है ऑपोजिशन का हक है कि वो अपोज करे हुकूमत को, और एक कैंपेन भी चलाया जो कि चल रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जिस तरह की बातें आज होती हुई नजर आई हैं, इज दिस फेयर इनाफ? इस तरह से क्या हमारे लीडरान को जेब देता है कि वो इतना आगे चले जाएं इस तरह की बातें करें? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें रिदा, पहली बात तो ये है कि जो अपोजिशन पीडीएम की अपोजिशन मौजूदा सिलेक्टेड इमरान अमन नियाजी की कर रही है प्राइम मिनिस्टर की, मेरे ख्याल में हमने कोई बिल नहीं जलाए, लॉकडाउन की बात नहीं की, बावर्दी एसएसपी को मारा पीटा नहीं हमने, पीटीवी पे हमला नहीं किया हमने, पार्लियामेंट के रुकावटें नहीं डाली, उनके दीवारें नहीं तोड़ी हमने, जजेस के रास्ते बंद नहीं किए हमने। हम तो मतलब एक पोलाइट कर रहे हैं अपोजिशन, और लफ्जों की भी मैं कह रहा हूं कि हम पोलाइट हैं, और जो अल्फाज कंटेनर पे इस्तेमाल किए गए थे, पार्लियामेंट पे लानत डाली गई थी, किरदार कुशी की जा रही थी, और चादरें ओढ़ ओढ़ कर रहनुमाओं की और पार्टी कायदीन की नकलें उतारी जा रही थी, ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें उस बॉडी लैंग्वेज को तो ये बिल्कुल पोलाइट, पॉजिटिव और दानिशमंदाना अपोजिशन हो रही है। इस पे तो हमारे कारकुन हमसे नाराज होते हैं बाद औकात कि किस तरह आप अच्छे अल्फाज में इनको अपोज कर रहे हैं। हाँ। मैंने कहा, मैंने गिनाए आधा दर्जन वो बातें जो हमने अभी तक नहीं की, जो इस्लामाबाद धरने में ये चीजें हुई, और जो अल्फाज का चुनाव, नकलें उतारना, बचकाना हरकतें करना जो मौजूदा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त की थी, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम तनकीद भी ना करें और इसको ये भी ना कहें कि वो खुद एतराफ कर रहे हैं कल कि जी मुझे वो किससे मुखातिब हो रहे हैं कि आपने तो मेरे पास, हम मैं तो अनाड़ी था, मेरे पास टीम भी नहीं थी, 1.5 साल इनको पावर कंपनियों का काम समझ में नहीं आया, तो ये बात इन्होंने 2013 में की थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया था। हाँ। कि मेरे पास टीम नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हुकूमत नहीं मिली। हाँ। आज के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी अगर वही अल्फाज दोहरा रहे हैं डायरी हाँ। में, तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि ये किससे मुखातिब है कि मुझे आपने ऐसी गाड़ी का ड्राइवर बना दिया जिसके मुसाफरीन की जिंदगी को खतरा है। अगर चलती गाड़ी में रिदा आप किसी सफर कर रही हो और उसका ड्राइवर चलती हुई गाड़ी में ये कहे कि मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे स्किल ही नहीं है ड्राइवर का, ड्राइविंग करने का, तो आप क्या फील करेंगी, मुसाफिर क्या फील करेंगे? तो एक प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात कहे तो अल्लाह माफ करे इस कौम का। ठीक है, तो हम तो बड़ी पोलाइट, दानिशमंद, अच्छे गुफ्तगू आ रही है अपोजिशन कर रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आप अच्छी वाली अपोजिशन कर रहे हैं। मैं जरा ख्याल जमान और अकजई साहब की तरफ जाती हूँ। ख्याल जमान और अकजई साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, आज जैसे मरियम बीबी कह रही थी कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, आवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर लिया है, कल के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद, जो कि मैं समझती हूँ कि उन्होंने अग्री किया एक चीज को, उस कन्फेशन के बाद हमें नजर आ रहा है कि अपोजिशन ठीक ठाक तनकीद कर रही है। दूसरी तरफ जब नैब मौलाना फजल रहमान साहब पे हाथ डाल रही है, तो वहां उनसे उधर से उनकी भी जिस तरह की आज बातें आ रही है सामने, स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, वो भी हम सबके सामने है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ये जिनाम निहाद पाकिस्तानी बनी हुई ना, कि अफसोस से 40 साल में इस पाकिस्तान को खराब न करता ये बना लेते थे। एक किस मुंह से दावे कर रहे हैं, दोनों की हुकूमत रही सन 88 के बाद 2000-2018 तक 40 साल, अगर ये बना सकते थे ना पाकिस्तान तो ये खराब क्यों, ये बिगड़ा क्यों? आखिर कुछ तो हो शर्म, कोई गैरत हो या आखिर कब तक ये इस आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे यार? कुछ तो हो, कोई 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 अपना आना कोई है या नहीं है? 40 साल में दो पार्टी की हुकूमत रही, पीपल पार्टी की और नून की, वो शेरफ था उसके साथ भी ये बैठे रहे, वो करेलवे किसने तबाह किया, बिल किसने तबाह किया, पीआई जो टॉप 10 अब वार्ड में आता था वो किसने तबाह किया था, बाकी इदारे किसने तबाह किए थे? सिंध के अंदर जो है ना, जो जोहर में जो है ना इंसान और जानवर एक जगह पानी पीते हैं, वो कौन थी ही लोग हैं अभी तक? ये बात ये मुकाबला करते हैं, ये है मैं देखा, ये कौन सी अपोजिशन है? इनके रिकॉर्ड तो देखो कितनी एक दूसरे के पीछे रहे, जरदारी, शाहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजल रहमान, इनकी इनकी हर 5 साल दौर में इनके रिकॉर्ड तो देखो कि एक एक दूसरे के पीछे क्या कुछ कैसे रहे। मैं तो कहता हूँ कि इस मोल में अपोजिशन खत्म हो चुकी है, कोई अपोजिशन नहीं यार इनके पीरियड के। देखो जब से मैं सिर्फ इमरान खान है, इनके पास कोई कौमी एजेंडा नहीं, इनके पास कौम को देने के लिए क्या है यार?
सिर्फ इमरान खान अब फरीद इमरान खान होकर सबको ला के एक कटहरे में खड़ा कर दिया। वो जो कहता था ना कि जब जब इस पर हाथ डाला जाएगा तो ये सब एक हो जाएंगे चोर, ये चोर है, ये डाकू, सॉरी टू से। अच्छा ये मुल्क इन्होंने लूटा है, ये मुल्क इन्होंने तबाह किया, अपनी चीज बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आने का कोई चांस नहीं, ये बेगम रहे। मैं गारंटी दे दूं कि हमारे सामने कोई अपोजिशन नहीं। लाहौर में इन्होंने अपने आप को देखा, अच्छा ख्याल जमान और जमातें मिल गई इतने लाहौर में, इन्हें अपना अपनी अपना अपनी शक्ल को तो शीशे में देखे यार। सिर्फ इमरान खान, जितनी भी जलसी हुए इमरान खान इनके पास कोई कौमी झंडा है कोई कौम को देने के लिए, इनके पास कोई है पॉलिसी है कौम को देने के लिए इनके पास? अच्छा मैं चोरी कटी हुए, इनके रिकॉर्ड तो देखो यार, इन्होंने तो लूटा है 40 साल। अगर ये बना सकते थे तो ये बिगाड़ा किसने, ये मुल्क किसने बिगाड़ा? इन्होंने बिगाड़ा, और एक भी नहीं बचेगा। ये कल सुबह के सुने इंशाल्लाह एक नहीं बचेगा, ये साल के बाद ही होगा और इंशाल्लाह क्रॉस दी बोर्ड होगा, और जो भी चोर होगा चाहे वो हमारे पास होंगे या इनके पास, कोई नहीं बचेगा, ये फैसला हो चुका है। अच्छा ख्याल जमान और अकजई साहब, ठीक है कि एक भी नहीं बजेगा आपकी बात, ये चोर डाकू लुटेरे सारी आपकी बात को मैं ये है ना, किसने लूटा इस मुल्क को, किसने लूटा? लंचों में जो है ना, बड़े बड़े जो है ना लंच शिपों में डॉलर किसने मैं लेकर? उसी पे पूछने वाली, मैं वही पूछ रही हूँ ख्याल और अकजई साहब। ख्याल और अकजई साहब मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल बीच में ऐड कर रही हूँ आज की। मुझे आपकी बात तो सर आंखों पे मैं बिल्कुल मानूं भी उसको अपोजिशन के हवाले से, लेकिन आज की एक खबर है मैं वो आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अर्ज ये है कि पाकिस्तान से नाजायज पैसा बगैर रुकावट रवां बर्ज भी बरतानिया आता रहा है, ये आज की रिपोर्ट है, और बास पाकिस्तानी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया में कीमती असासे भी खरीद रहे हैं। अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं जो है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए, इन्हीं के लोग अभी भी बैठे हुए हैं, इनकी मन मंजूर नजर लोगों को उन्होंने सब मजिस्ट्रेट में बैठाया हुआ, हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इन चीज को रोकने के लिए, और इंशाल्लाह ये रुकेगा। देखो 40 साल की बर्बादी जो है ना वो हम 2 साल में ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होगी इंशाल्लाह ठीक होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, हिसाब किताब होगा, और जो भी मुजरिम होगा इंशाल्लाह जो है ना उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी और सारी जिंदगी जेलों में सत्य रहेगी। ख्याल जमान साहब मेरी अर्ज सुन ले सर, पीडीएम के पास अगर कोई मंशूर होता ना मुल्क देने के लिए कोई पूरी जल्द सर मेरी अर्ज सुन ले, सिवाय प्राइम मिनिस्टर का कोई बात है इनके पास कौम को देने के लिए है कि ना? पहले कुछ था ना अब कुछ। कयाल जमान साहब मेरी भी अर्ज सुन ले, मैं ये बता रही हूँ ये नेशनल असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट की आज की रिपोर्ट है, तो आप जैसे कि खुद भी कह रहे हैं कि हाँ हो रहा होगा और ये चीजें हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही है आज की गुजरी है। देखो हमने कंट्रोल करना है, हमने चीजों को खत्म करना है किसी तरीके से। तो क्या हुकूमत की सफों में भी ऐसे लोग बैठे हैं अभी तक जो 2 सालों में आप लोग काबू नहीं पा सके? हाँ मैंने कोई खबर नहीं पड़ी है हुकूमत की सफा में, अगर मैंने कहा कि कोई भी होगा चाहे वो हमारे सफा। सर आपको मैं खबर बता तो रही हूँ, आपको मैं दे तो रही हूँ ये खबर आज की, ये बरतानिया से। देखो हम ये तो नहीं कह रहे ना, हमारे वाले जो है ना वो साफ है और इनके वाले गंदे, जहाँ भी गंदा निकलेगा उसके हिसाब के साथ होगा। अच्छा जहाँ भी होगा वहाँ किया जाएगा, ठीक है ख्याल जमन और अकजई साहब साथ ही रहेगा। सेंटर राजीव सामरा साहब वो कह रहे हैं आप लोग चोर लुटेरे और सारी चीजें हैं, आप लोगों ने क्या किया पाकिस्तान में 30-40 साल आपके पास हुकूमतें रहीं? ख्याल साहब ने जो गुफ्तगू की मेरे ख्याल में कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अच्छा पहली बात उन्होंने कही कि ये चोर हैं डाकू हैं, 40 साल का हवाला दिया, तो क्यों शर्म आती है और गैरत क्यों नहीं जागती कि 40 साल के अंदर एशिया के मॉडल डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का भी दौर रहा है इसमें, इस मुल्क में? ये क्यों भूल जाते हैं कि जनरल मुशर्रफ जिसके आपके कायद जिसके बड़े रजाकार बन के फिर रहे थे उसका भी इस दौर में मुल्क में एक दौर रहा है? और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि चोर डाकू इनके पास हैं, एमनेस्टी स्कीम क्यों दी आपने जब प्राइम मिनिस्टर हुए जिसको आप गलत करार देते थे? वो जो सिलाई वाली बाजी इसका नाम नहीं लेना चाहता एहतरामन में, उसने सिलाई मशीनों से जो करप्शन करके बाहर जो अपार्टमेंट बनाए वो किसके पैसे हैं? वो जो बनी गाला में शाम को चोर बैठते हैं, वो जो सारी माफियाएं बैठते हैं जिसके लिए साबिक डीजी एफआईए ने बशीर मेमन और एक डायरेक्टर बाजवा ने कहा कि 400 अरब रुपए जो कमीशन लेने वाले जो चेहरे हैं चीनी कमीशन में वो काबीना में बैठे हैं जिनकी सरबराही इनके सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं नियाजी। चोर तो आपकी सफों में बैठे हैं और आपने ताने बाने की हुकूमत बनाई है, आपने तो पता नहीं कहां कहां से लोग लाए, आप ही नहीं जानते। इनसे पूछें आप काबीना के लोगों के नाम जानते हैं क्या? वो आपके मातहत हैं? आप अगर फोन करें तो वो फोन उठाएंगे? और दूसरी बात नेब, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर कराची में आए थे, उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नेब अपने हुदूद क्रॉस कर रही है, मेरे दोस्तों को तंग कर रही है, और जब वो इस्लामाबाद गए थे तो उन्होंने नेब कानून में तरमीम लाई थी। किसने? वो प्राइम मिनिस्टर सो कॉल्ड
जो अपना एहतसाब लाने के लिए आए थे इस मुल्क में, और फिर क्या हुआ, एक वीडियो आई थी नेपचर, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा, पूरी कौम को पता है कि जब आप एक जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारे की एक वीडियो चलाएंगे जिसके लिए आप कराची में कहेंगे कि आप मेरे दोस्तों को तंग कर रहे हैं, आप एमनेस्टी स्कीम भी देंगे, आप हुंडी का दर्श भी देंगे, आप क्या करना चाहते हैं, आप अमरियतों के दौर का गंध हमारे खाते में नहीं डालें, और सबसे बड़ी बात कि आप कह रहे हैं कि आप अनाड़ी हैं, ढाई साल के बाद भी अनाड़ी हैं, तो शर्म आनी चाहिए, मैं तो इस पर क्या कहूँ। ठीक है, अच्छा मैं ख्याल जमान औरंगजेब साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब आज की चूंकि आप ये देख रहे हैं ये खबर है, और अब जाहिर सी बात है क्योंकि वजीर आजम साहब खुद भी कल एतराफ कर चुके हैं, सो अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि देखें अभी आप लोग के पास ढाई साल तो है टेक्निकली, और मजीद देखा जाए राजा दैनिट की जी ऑपोजिशन और जो पीडीएम की तहरीक कह रही है वो कुछ और ही हम सुन रहे हैं, लेकिन वैसे टेक्निकली तो आपके पास मजीद अभी साल बचे हैं, ढाई साल, तो आप लोग उसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि वजीर आजम साहब कह रहे थे तैयारी के बगैर नहीं आना चाहिए, अब तैयारी हो गई। देखो मेरी बात सुनो, पहले जो है ना मैं अपने भाई मोहतरम को जो है ना थोड़ा उसकी तारीफ सीधा करूं कि मैंने 40 साल याद किए हैं ना सन 88 के बाद, ठीक है ना, अगर जियाउल हक था उसमें में मैक्सिमम तकरीबन यही लोग बैठे हुए थे, ये भी कोई बाहर नहीं थी उसकी हुकूमत है, नवाज शरीफ का जियाउल हक का पैदावार था, कोई बाहर तो नहीं, और बाकी सब इसके साथ बैठे हुए थे, तो सर 80 से लेके ना ये तकरीबन 40 साल बन जाता है, ये सब उसी में बैठे होते, आप पूरा तारीख गवाह है वो पड़ोस। अब आपके पास कौन बैठे हैं काबीना में, ठीक है, वही लोग। उसके अलावा जो है ना, उसके अलावा मैं आपको ये क्लियर कट बताता हूँ कि ये जो चीखते हैं ना एक ही टुकड़े में जो है ना मेंढकों की तरह जो है ना वो एक एक उतरता है और एक बैठ जाता है, इनका एक ही मतलब है कि जो हमारे की हुई जो है ना चोरी है डाके हैं उनको माफ करिए, कभी नहीं होंगी, बाकी कुछ भी नहीं होता। मैं रिपीटेडली कहते हूँ अगर इनके पास कौम को देने के लिए कोई एजेंडा अभी भी हो तो कौम को बताए कि हम अगर हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये तो सिर्फ इमरान खान, आप फरीद इमरान खान पे हो कि सब को लाके जो है ना जितने बेटे एक कटोरे में खड़ा कर दिया, और सिर्फ चीख रहे हैं कि इमरान खान पर, सिर्फ इनको इमरान खान ही बुरा लगता है, ये बाकी जो बाकी इनके अपने इमरान खान ने किया क्या है झूठ बोलने के, अपने गरीबान में तो देखो ये एक अपने क्या किया इमरान खान ने सिवाय झूठ बोलने के लिए, कहां कहां गया हमारे ऊपर तो पुराने केस है आपके अंदर, तो आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी जो आपने काम शुरू किया आपने क्या किया, आप कह रहे हैं कि वो तमाम लोग उसमें पैसा डालें उनसे पूछा नहीं जाएगा, हराम का पैसा हो ब्लैक का पैसा हो, ये तो आप सारे चोरों को जो बनी गाला में बैठे उनको शेल्टर दे रहे हैं, आप माफिया को दूध पिला रहे हैं, उसके अलावा इमरान खान ने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ मीडिया में आके झूठ बोलते हैं, खबरनामा पीटीआई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया आपने, आपने किया क्या वो बताएं, आपने कितने चोरों को फांसी पे लटकाया ये बताएं, कितने चोरों को फांसी पे लटकाया आपने, सारे चोर बनीगाला में बैठे हैं, सारे चोर बनीगाला में बैठे हैं ख्याल साहब, सारे चोर बनीगाला में, आप सादा लोग हैं आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है वो सिलाई मशीन वाली करप्शन वापस दिलाओ पाकिस्तान को, जरा सिलाई मशीन वाली करप्शन का क्या होगा, चलो मैं तो अदालतों में हूँ, मैं तो नेप में हूँ, मगर वो चोर जो काबीना में बैठे हैं उनका क्या होगा, ये कौन को बताएं कि इमरान खान ने क्या किया, वो तरीन को जो एनआरओ दिया है आपने, तरीन को जो आपने एनआरओ दिया है उस पे जरा शर्म आएगी कि नहीं आएगी, अच्छा चल तो कहा ना कि अभी जो है ना जब हकीकत सबके सामने आ जाएगा वो आ गई है, वो आ गई है, डीजी साबिक डीजी का साबिक डीजी की स्टेटमेंट, बशीर मेमन की स्टेटमेंट निकाले, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, बशीर मेमन की स्टेटमेंट, वो आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उनसे भोंडा काम लेना चाहते थे जो नहीं किया उन्होंने, सारे चोरों को इकट्ठा करके काबीना में बना दिया आपने, क्या हिसाब करेंगे, क्या हिसाब करेंगे आप चोरों को आपने बनीगाला में छुपाया हुआ है, काबीना में बिठाया हुआ है, क्या हिसाब करेंगे आप। अच्छा चले जी ख्याल साहब, अब आप बोले। जी जी मैं इनको कहता हूँ कि अगर इनकी इनकी इनके अपना हाल देखो, अगर अगर इस्तीफाओं के लिए दिया तो अभी आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारे इस्तीफाओं से परेशान क्यों हो रहे हैं, हम तो डाकू चोर हैं, हम तो डाकू चोर हैं, आपको क्या हो गया, अगर आप दे सकते तो जाके आपने कौम के लिए क्या किया ये बताएं, आपने तो क्या 40 साल लूटा, हमने लूटा नहीं, हम बनाए नहीं, आपने चोरों को बनी गाला में बिठाया हुआ है भाई, हम लूटे आपने काबीना में चोरों को बिठाया हुआ है, आपने चीनी गायब कर दी, आटा खा दिया, दवाई महंगी कर दी, महंगाई कर दी, झूठ बोल रहे हैं आप, अनाड़ी हैं, नीम हकीम खतराए जान, नीम
हुक्मरान खतरा है कौम, ये आप एतराफ कर रहे हैं, आपका लीडर सो कॉल्ड लीडर एतराफ कर रहा है, आपका लीडर एक एक करके मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है। बोला एक मिनट जी, ख्याल जमान साहब जी। जी जी मैं यही कहता हूँ ना कि भाई निकले आज है फर्स्ट फरवरी का इंतजार नहीं करे, कल से जो है ना लॉन्ग मार्च करेगा, इनके पास कोई है अगर सुनने वाला, इनका हाँ। तो अपना हाल है, कल मौलाना का हाल देखा कि कितने लोग उनके अपने अपने पार्टी के अंदर जो है ना वो जो सच्चे लोग थे सच बोलने लगे कि हम मौलाना की जुड़ पर सारी जिंदगी बोल सकते हैं। अब हाँ। अगला आगे आगे वाला वक्त देखो कि इनका अपना हशर क्या बनने वाला। अच्छा, लाहौर अच्छा, का जलसा देखो, अपने लोग नहीं निकले लाहौर से तो इस्लामाबाद में कौन लाएंगे ये लोग, ये किराए की जो कुछ मदरसा में जो बच्चे बैठे हुए हैं मौलाना वो किराए में ड्रग भर के वो ही ला सकते हैं, बाकी की बात आवाम नहीं, कुछ भी नहीं इनके पास। अच्छा अच्छा खैर जवान साहब, ये भी मुझे बताएं कि अब सेनेट थोड़ा जवाब दे दूं, सेनेट में मैं आपसे जवाब ले, किराए के लोग हैं हमारे पास। अच्छा चले आप रिस्पॉन्ड करते हैं सवाल। देखें ख्याल साहब ने कहा किराए के बच्चे लिए हैं, अरे भाई आपके आपके जो एमएनए इलेक्टेड आपके जो इलेक्टेड नूर आलम खान कौन है? नूर आलम खान ने क्या स्पीच किए फ्लोर ऑफ द हाउस? कितने एमएनए आपके आपकी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो जो किराए के लोग हैं उनको निकाले ना, उनको बाहर निकाले ना, नेशनल असेंबली में कितने एमएनए ने आपके खिलाफ तकरीरें की हैं? वो बात जमीर लोगों को, हम किसी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन की तरफ नहीं जा पा रहे। नहीं मैं किराए के लोग इनके जमा है कौमी असेंबली में, इनके एमएनए इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मैं गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन, और ताकि कोई कंस्ट्रक्टिव और कंक्लूडेड जो है ना कोई डिस्कशन हो सके, इस वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ गया था। आप ये चाहते हैं मैं क्वेश्चन रखता हूं, बस मैं एक सवाल करूं आज, मुझे सिर्फ एक सवाल उनसे करने दें, मैं फिर आपसे आप ही का पॉइंट लूंगी, सिर्फ जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक ख्याल जमान साहब से एक सवाल पूछ रही। ख्याल जमान साहब, आज आप लोग सेनेट इलेक्शन के हवाले से ओपन बैलेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहां रेफरेंस दायर हुआ और सदर मुमलिकत ने सेनेट के इलेक्शन पर शो ऑफ हैंड्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। ये एक और मामला है जिसमें सदर पाकिस्तान अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि मुतादद चीजों के ऊपर और खासतौर पर जस्टिस साजी फायजीसा वाले मामले पर उनको क्रिटिसिज्म का सामना था। अब हम ये देख रहे हैं कि जो कि आप चले ही गए हैं सेनेट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेनेट इलेक्शन के हवाले से, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग क्या समझ रहे हैं कि सेनेट के इंतखाबात अब आप लोग कराएंगे तो अपोजिशन आपके साथ देगी? देखे ना एक चीज देखो, मैं सराब तो इन सबको पता है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर सेनेट के इलेक्शन हुए हैं उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वो खरीद फरोख्त हो चुका है। जितनी भी पार्टी थी इवन हमारी पार्टी में खरीद फरोख्त हो गई पिछले इलेक्शन में, जो है इमरान खान ने 30-30 जो है ना अपने एनपीएस को पार्टी से निकाल दिया। सही। तो उस चीज को खत्म करने के लिए जो है ना मेरे ख्याल में इनको भी हेल्प आउट करना चाहिए कि शो हैंड से हो, खरीद फरोख्त खत्म हो, हॉर्स ट्रेड खत्म हो। और दूसरा जहां तक जाने का जो है ना सुप्रीम कोर्ट में जी। वो आईनी पाकिस्तान मुझसे बेहतर जानते हैं, तो एक महीना जो है ना आप पहले कर सकते हैं, उसमें शिक है क्लॉज है कि आप जो है ना एक महीना पहले फिर इलेक्शन कर सकते हैं। वो तो इलेक्शन कमीशन ने कल कर दिया ना क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए वो भी शिक में है कि अगर शो ऑफ हैंड को जो है ना अगर सुप्रीम कोर्ट में चले जाए आप वहां जो है ना दरखास्त दायर करें, अगर वो एग्री करें तो आप जो है ना शो ऑफ हैंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो सबके लिए बेहतर है कि खरीद फिरो खत्म। नहीं ख्याल जमान साहब, वो तो कल इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है ना कि 11 फरवरी को से पहले नहीं हो सकते, 11 फरवरी के बाद हो सकते हैं किसी भी वक्त। तो महीना है ना एक्चुअली 11 मार्च को टाइम होगा, तो 11 हम महीना पहले बोलते हैं ना कि 11 तो 11 के बाद किसी भी हो सकता है, 12 हाँ। हो 13 हो जो भी हो हाँ। सकता है। और दूसरा जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान अलाउ करती है कि अगर हुकूमत चाहे शो ऑफ को हैंड के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकते हैं। तो हमने रिजू किया हुआ जो है ना, देखिए साहब मुझे उम्मीद है कि वो उसकी कौम की बेहतरी के लिए कौम के हक में आ जाए। अच्छा ठीक है जी आजिज, अब आप इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं सेनेट पे। मैं सेनेट वाली इलेक्शन के हवाले से बात करता हूं। देखिए पहली बात तो 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट की जरूरत है, एक नुक्ता भी आइन का अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो 2/3 मेजॉरिटी से होगा, ऐसे नहीं होगा। नंबर वन खुफिया राय शुमारी जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, नंबर वन ये अदालत में जा रहे हैं बेशक ये जाए। दूसरी बात के आइन की तब्दीली सुप्रीम कोर्ट से होगी या पार्लियामेंट से होगी, और ये कह रहे हैं कि नेशनल डॉलर के लिए अपोजिशन को पार्लियामेंट में आना चाहिए हाँ। और ये नेशनल डॉलर करने के लिए
सुप्रीम कोर्ट में रुजू कर रहा है, ये कौम के सामने इनकी, ये आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है, ये कॉन्ट्राडिक्ट लग रही है आपको बात, टू फेस पॉलिसी जो है ना पीटीआई की, आने दें कौम के सामने आने दें। मैं आखिर में तो नहीं, मैं क्वेश्चन रखना चाहता हूँ उस पर, और ज्यादा मैं बात ही नहीं करता। देखिये अभी आपने कोट किया बर्तानिया की रिपोर्ट को, ठीक है, या तो ये कहें आज पीटीआई आपके प्रोग्राम में कि ये बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एज इट इज जारी है, तो 25 जुलाई के बाद इस मुल्क में क्या पीपुल्स पार्टी हुकूमत में, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में है या मौलाना साहब हुकूमत में है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत किसकी है, अगर ये जारी है तो इसके जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब लीजिएगा। ठीक है, ख्याल जमान साहब रिस्पॉन्ड करें आप, मैं सवाल जो कर रहे हैं आप क्लियर कर दिया कि देखो हमारी हुकूमत की टारगेट ये है कि हमें जितनी भी जो गैर कानूनी चीजें हैं सबको रुकवाना है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसके अलावा चाहे बदइमानी हो, चाहे जितनी भी जो है ना रिश्वत हो, चोरी हो, डाके हो, ये सब रुकवाना है, कोशिश हमारी है, हुकूमत कोशिश करी, इंशाल्लाह ये सब चीजें रुक जाएंगी। नहीं तो वो सर ठीक है रुकनी तो चाहिए, लेकिन मतलब आप ये इतराफ कर रहे हैं ना कि 2 सालों में तो नहीं रुकी अभी तक नई हुकूमत में। मैंने कहा कि मैंने कोई खबर नहीं पड़ी जो है ना, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये है कि जो खबर आई है एक्चुअली मेरे से नहीं गुजरी, मैं क्या कर सकता हूँ, वो खबर जो मैंने नहीं पड़ी, लेकिन हुकूमत जो है ना देखो ओवरऑल जितनी भी जो है ना गैर का काम हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर उसकी कोशिश, फैजान साहब आप कहें तो मुझे बता देते, मैं आपको ब्रेक में भेज देती, आप पढ़ लेते ताकि इसको, सबसे बड़ा गैर कानूनी काम ये है कि मैं आपको भिजवा भी देती हूँ, आप इसको पढ़ भी लें, मेरे पास तजुर्बा नहीं है। चले पाकिस्तान तारीख के अनोखा वजीर आजम, मेरी बात सुनो ना पाकिस्तान की तारीख का फैजान साहब अनोखा और लाडला प्राइम मिनिस्टर जो 2.5 साल के बाद कौम को कहे कि मेरे पास तजुर्बा नहीं है, इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है। मेरी बात सुनो, आपके पास तो चुनौती था, ये आप किसको कह रहे हैं, ये न्यायाधी, ये न्यायाधीश साहब किसको कह रहे हैं, किसने मुखातिब है, किसने बिठाया, किसने बिठाया आपको, ये आप किसको शिकवा कर रहे हैं, ये शिकवा किससे कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं मेरे भाई, ब्रेक पे पांव मारें और ये बताएं कि ये शिकवा किससे कर रहे हैं। ख्याल साहब अच्छा, ख्याल साहब अच्छा, और आज प्लीज रिलैक्स करें, कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करनी है, मैंने कहा है कि आपको पूरी कौम देख रही है बैठ के, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है प्रोग्राम, मैं आज साहब से पूछूंगी अगर सेनेट इलेक्शन होते हैं तो पीडीएम इस्तीफा सेनेट इलेक्शन से पहले देगी या उसके बाद दे रही है। देखें हमारे इजलास हो रहे हैं और सीसी का इजलास भी पार्टी के हवाले से हमने कॉल की है, रेजिग्नेशन तमाम पार्टी हेड्स के पास पहुंच चुकी है, ठीक है, दो राय नहीं है, उसके बाद तरीकेकार पे डिबेट हो रही है, सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है पीडीएम। देखें अब मैंने कहा कि रेजिग्नेशन हमारे पास मौजूद है, सीसी का इजलास हमारे होगा, मैं इंडिविजुअल इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि जब सीसी का अजलास अनाउंस हो चुका और इसी पॉइंट के ऊपर हुआ है तो वो शाम तक तमाम जो डिसीशन है हमारे वो आ जाएंगे मीडिया में। अच्छा नहीं फिर, लेकिन फिर भी चुके देखें अब सेनेट के इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी बता देगा, तो अब अगर आप लोग इस्तीफों की एक तरफ बात कर रहे हैं तो फिर सेनेट इलेक्शन में तो टेक्निकली भी नजर नहीं आता कि पार्टिसिपेशन होगी, क्योंकि अगर इस्तीफे दे देंगे तो फिर आपके बचेंगे ही नहीं लोग, जब हमारे वोटर जो है वो MPAs होंगे और वो MPAs नहीं रहेंगे तो फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात कहां तक, ठीक है। अच्छा अगर पीडीएम इस्तीफे दे देती है ख्याल साहब तो आप ये बताइए कि सेनेट इलेक्शन होंगे, क्योंकि फिर तो टेक्निकली तो नहीं होते हुए नजर आ रहे। फिर देखो ना ये कई दफा ये चीज जो है ना बहुत बड़े वकला ने जो 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 कानूनदान है बहुत बड़े उन्होंने डिस्कस किया, पूरी कौम को बताई है कि जो नंबर रह जाएंगे, क्योंकि ये इक्वल नंबर कोई नहीं होती है, जैसे हमारे KPG के 130 की असेंबली है, अगर 10-11 बने हैं तो 10-10 वोटों पे जो है ना एक मेंबर बनना है, अगर उसमें से 30 चले जाए तो बकाया जो है ना 13 वोटों पे बनना था तो फिर 10 पे आ जाएंगे। पंजाब असेंबली में कोई 400 के करीब है, कोई 10-12 बनने हैं, 40 के करीब चाहिए, अगर उसमें से चले जाएंगे 100 तो बाकी 300 है उसमें तकसीम हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जाके कानूनदान से पूछिए, अभी ये जो बड़े बड़े कानूनदान है इवन इंतजार हसन वगैरह जितने बड़े हैं उन्होंने क्लियर किया कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन भी होगा, टाइम भी होगा, हम जीत भी जाएंगे। अच्छा इलेक्शन भी होगा, टाइमली होगा और जीत भी जाएंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया आजिज जामरा साहब आपका, ख्याल जमान और अकजई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाज़रीन ये एक बहस है जो कि अब तक नहीं सुलझ पा रही कि किस तरह से इलेक्शन होंगे अगर पीडीएम
जो है वो इस्तीफे दे देती है सेनेट इलेक्शन से पहले, और क्या वाकई पीडीएम के जो जमाते हैं जिनकी नुमाइंदगी है असेंबलीज के अंदर वो सेनेट से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले क्या इस्तीफे दे रही हैं आया वाकई या नहीं दे रही? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क विच हैज बीन रेज्ड अपॉन। वेल, इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।